हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बीएसएफ हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए भी हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उस लिहाज से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन आपको बायलिंगुअली हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल बिल्डिंग्स इज सेट टू पजेस द यूनिक फीचर ऑफ बीइंग एग्जैक्टली इक्वल इन लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि कौन सी मुगल इमारत जो है वो लंबाई और चौड़ाई में बराबर है। तो दोस्तों, आगरा का जो ताजमहल है वो लंबाई और चौड़ाई में बराबर है, ये इसकी एक स्पेसिफिकेशन है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, द नेम ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल इज एसोसिएटेड विथ, तो राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है, किस में इनका नाम आया था। तो दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो एक क्रांतिकारी थे और 1925 में अंग्रेजों के अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है इन्होंने ब्लास्ट किए थे, तो काकोरी केस में इनका नाम आया था। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल का नाम काकोरी केस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, द कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाय द फेमस रूलर, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक द्वारा पूरा किया गया था। ध्यान रखिए, पूरा किया गया था, स्टार्ट किया गया था दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, लेकिन वह सिर्फ इसकी बेसमेंट तक बना पाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार की सिर्फ बेसमेंट को पूरा कर पाया था और इसको कम्प्लीट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने जो है वो कुतुब मीनार का काम जो है वो पूरा करवाया। ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो दोस्तों, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नरोजी। ठीक है, यहाँ से दो तीन चीज़ें आप याद रखेंगे कि दादा भाई नरोजी का जो उपनाम है इनको किस और नाम से जाना जाता है, तो इनको बोलते हैं एक तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और दूसरा इनको बोला जाता है दोस्तों अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। ठीक है, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है। तो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, दादा भाई नरोजी। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था, द फर्स्ट इंडियन सिलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए चयनित होने वाला सबसे पहला भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि 1864 में एज अ जज जो है वो चुने गए थे। ठीक है, तो सत्येंद्रनाथ बोस जो थे वो पहले भारतीय थे जो कि सिविल सर्विसेज के रूप में सिलेक्ट हुए थे। अगला प्रश्न है, हु वॉज चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखिए, संघ समिति यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, जो यूनियन पावर कमेटी थी इसको 1934 में M.N. रॉय द्वारा बनाया गया था। 1934 में M.N. रॉय द्वारा, एक पॉलिटिशियन थे इंडिया के M.N. रॉय, उनके द्वारा जो है ये यूनियन पावर कमेटी प्रपोज की गई थी और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये बनाई गई थी M.N. रॉय द्वारा। अगला प्रश्न है, द दिल्ली सुल्तान हु फेल टू हिज डेथ वाइल प्लेइंग पोलो, तो पोलो खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, ये ध्यान रखिए आप, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश का संस्थापक था, तो पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और उस समय पोलो को चौगान बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कहीं पर चौगान बोलेगा तो आप कंफ्यूज मत होना, तो चौगान भी उस समय पोलो को बोला जाता था। अगला प्रश्न है, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया, भारत में पहला अंग्रेजी अखबार या समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो दोस्तों, भारत में सबसे पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिक्के, जिसको कि हम J.A. हिक्की बोलते हैं, उनके द्वारा शुरू किया गया था, जो कि फर्स्ट पब्लिश हुआ था 29 जनवरी 1780 को बंगाल गजट के नाम से पहला अंग्रेजी अखबार भारत में जेम्स ए हिक्की द्वारा शुरू किया गया था, बंगाल गजट। ठीक है, इसको बोला गया था बंगाल गजट, इस अखबार का नाम था, इसका नाम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हु बिल्ट द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ महाबलीपुरम, तो महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किसने बनाया था।
तो दोस्तों महाबलीपुरम में जो उस समय के पल्लव वंश के राजाओं द्वारा बनाया गया था, और महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट द्वारा। ठीक है, पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन फर्स्ट द्वारा महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था और स्मारकों का निर्माण करवाया गया था पल्लव वंश के राजाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान रखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द कुका मूवमेंट इज स्टार्टेड इन मिड 19th सेंचुरी इज, यानी कि 19वीं सदी के मध्य में कुका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुका आंदोलन जो है दोस्तों वेस्टर्न पंजाब में, पश्चिमी पंजाब में शुरू हुआ था। ठीक है, और इस आंदोलन के प्रणेता थे राम सिंह कुका। ठीक है, राम सिंह कुका जी जो थे वो इस आंदोलन के प्रणेता थे, इसको प्रपोज करने वाले थे। तो पश्चिमी पंजाब में कुका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो दोस्तों फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अब आप यहां से एक बात याद रखेंगे कि जजिया कर क्या होता था। तो जो इस्लामिक शासक होते थे दोस्तों, ठीक है, जो इस्लामिक रूलर होते थे वो गैर मुस्लिमों पर, जो कि मुस्लिम नहीं होते थे, नॉन मुस्लिम लोगों पर जो है जो कर लगाते थे या जो टैक्स लगाते थे उसको हम जजिया कर बोलते हैं। ठीक है, उसको उस समय जजिया कर बोला जाता था। तो फिरोज तुगलक ने, जो कि तुगलक वंश का राजा था, उसने ब्राह्मणों पर भी ये टैक्स लगाया था, जजिया कर। ठीक है, तो फिरोज तुगलक इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं तो इनको आप जरूर याद कीजिए। अगला प्रश्न है, टोडरमल वॉज एसोसिएटेड विथ, तो टोडरमल का संबंध किस फील्ड के साथ था। तो दोस्तों टोडरमल जो है वो अकबर, मुगल बादशाह अकबर के कोर्ट में नवरत्न हुआ करता था। ठीक है, नवरत्नों में से एक था और यह फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था अकबर के दरबार में। तो ये वित्त का ज्ञाता था तो इसलिए इसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। तो टोडरमल अकबर के कोर्ट में वित्त मंत्री हुआ करता था। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है टोडरमल का नाम। अगला प्रश्न है, आगरा शहर के संस्थापक कौन थे। तो मुगल बादशाह सिकंदर लोदी, ठीक है, सिकंदर लोदी जो है वो आगरा वंश का संस्थापक था। उसने 1504 ईस्वी में आगरा को बसाया था और ये एक फेवरेट जगह मानी जाती थी मुगलों के लिए। और 1526 से 1658 तक यह मुगल वंश की राजधानी भी रहा, कैपिटल सिटी रहा है आगरा मुगल वंश की। और आगरा में ताजमहल है विश्व प्रसिद्ध, जिसको कि शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, द गोल्ड कॉइन्स ऑफ गुप्ताज पीरियड वर कॉल्ड, तो गुप्त काल में जो सोने के सिक्के होते थे उन्हें क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल के जो सोने के सिक्के थे उनमें अद्भुत नक्काशी होती थी और उनको दिनारा बोला जाता था। ठीक है, दिनारा, तो गुप्त काल में जो सोने के सिक्के थे दोस्तों वो दिनारा कहलाते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, तो भारत में चिकित्सा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो आचार्य चरक, ठीक है, आचार्य चरक को भारत में चिकित्सा के पद्धति के रूप में जाना जाता है। और इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है चरक संहिता, जिसमें इन्हें आयुर्वेद की और मेडिसिन के बारे में पूरा डिटेल्स लिखा है। तो चरक संहिता जो है वो आचार्य चरक द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, जिसमें मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन का उल्लेख है। तो भारत में चिकित्सा के पिता के रूप में आचार्य चरक को जाना जाता है। और भारत में शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन, ठीक है, शल्य चिकित्सा के पिता के रूप में जाना जाता है सुश्रुत को। ठीक है, सुश्रुत ने सबसे पहले शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा होगा। ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना यार, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। तो थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद जय भारत।